होया कार्नोसा ट्राई कलर या फिर वेरीगेटेड होया कार्नोसा जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जो कि सेमी रेयर प्लांट जो है कहलाता है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली ग्रो किया जा सकता है। बात कहते हैं कि होया जो है बहुत ट्रिकी होते हैं आप इनको अपने घर में अगर ग्रो करना चाहें तो, लेकिन मुझे ऐसा कोई इशू नहीं रहा। ये प्लांट बेसिकली मैंने परचेज नहीं किया, ये एक वीडियोग्राफी थी जिसका कॉम्पिटिशन था, उसके लिए एक वीडियो बनाई थी जिससे मैंने फर्स्ट प्राइज इसको जीता था, और वो जो वीडियो है जिसके ऊपर मैंने ये जो है प्लांट जीता था उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो जब मेरे पास ये प्लांट आया, जब मैंने इसको मतलब विन किया, उसके बाद एक वीक के बाद मेरे पास ये प्लांट आया था, और तब उसके जो थी सिर्फ ये एक ब्रांच थी, यहाँ तक एक ब्रांच थी, मतलब जहाँ ये दो लीव्स थे छोटे छोटे और आगे से न्यू बडिंग हो रही थी। ये जो इतना पोर्शन है और साथ में यहाँ पर जो ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाले लीव, ये वाला जो एक न्यू जो आपको शूट नज़र आ रही है वाइन, ये वाला, ये यहाँ पर आकर दोबारा से रीग्रो हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें आपको नीचे दिखाऊं तो बेसिकली ये मेरे पास, ये चेक करें अगर, तो ये यहाँ से कट हुआ था। इसका मतलब है मेरे पास या तो ये मदर प्लांट आया है या फिर ये ऐसी कटिंग से आया है जिसकी ऑलरेडी कटिंग लेके यूज़ की जा चुकी थी। ये प्लांट जो जब आया था तब इतनी अच्छी वेरिएशंस के साथ नहीं था, उसकी रीज़न आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक लीव टोटली नॉन वेरिएटेड है और बाकी ये लीव अगर आप चेक करें थोड़ी वेरिएशंस वाला है, जबकि आगे ये जो यहाँ ग्रो किया है पोर्शन, ये ऑलमोस्ट वाइट भी आ रहे हैं इसमें। मैंने इनको अब क्या कंडीशन प्रोवाइड की है कि ये इतना खूबसूरत हो रहा है। इसको बेसिकली ट्राई कलर इसलिए कहते हैं कि दो कलर्स तो आप इसमें देख रहे हैं, लेकिन तीसरा कलर जो है वो आमतौर पर टेम्परेचर चेंज होने से आता है, यानी कि सर्दियाँ हों और धूप हो। होयास जो है वो डायरेक्ट लाइट जो है या सिर्फ मॉर्निंग की पसंद करते हैं या फिर इनडायरेक्ट लाइट पसंद करते हैं फुल डेज की। तो जिस लोकेशन में मैंने इसको रखा हुआ है वहाँ पर इनडायरेक्ट लाइट आती है, लेकिन अच्छी ब्राइट लाइट आती है। और ये चूँकि सकुलेंट लीव्स हैं, आप अगर चेक करें तो बहुत ही थिक जो है इनके लीव्स होते हैं, जिसका मतलब है कि थोड़ी अमाउंट में वाटर भी अपने अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन ये बाकी सकुलेंट प्लांट की तरह नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी भी पसंद करते हैं। बेसिकली इनको ट्रॉपिकल सकुलेंट प्लांट्स कहते हैं। ये वाइंस होती हैं और ये वाइंस जो है रिलेटिवली स्लो ग्रोअर्स हैं, इसलिए इनको सेमी रेयर जो है कैटेगरी में ऐड किया जाता है। इनके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है और वो फ्लावर्स जो है खुशबू वाले होते हैं, यानी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं वो, और वो फ्लावर्स जो हैं इनके कम से कम एक वीक से एक दो वीक तक भी रहते हैं, डिपेंड करता है कि कितना जो है टेम्परेचर एक्सट्रीम है। फ्लावरिंग जो है स्प्रिंग में होती है इनके, इस दफ़ा मेरे इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है तब तक ये फ्लावर करेगा जब तक नेक्स्ट स्प्रिंग आएगा। अभी बात कर लेते हैं इसके सॉयल मिक्स की, कि मैंने इसको कैसे सॉयल मिक्स में रखा हुआ है, क्योंकि एक सकुलेंट प्लांट है, नो डाउट ये ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, ब्राइट लाइट को पसंद करता है, इनडायरेक्ट आफ्टरनून सन ये पसंद नहीं करता, लेकिन इसका जो सॉयल मिक्स है आप उसको कभी भी वाटर रिटेनिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वाटर लविंग प्लांट सिर्फ इस सेंस में है कि ये सिर्फ ह्यूमिडिटी जो है पसंद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है लेगी या सॉगी सॉयल मटीरियल जो है इसको नहीं चाहिए। आप वाटरिंग करें सॉइल मिक्स में, लेकिन जब ड्राई हो जाए अपर हाफ पोर्शन सॉइल का तो आप इसमें वाटर ऐड करें, और मॉडरेट क्वांटिटी में जो है आप इसमें वाटर को ऐड करेंगे, और उस हिसाब से मुझे यहाँ पर जो वाटरिंग है तकरीबन एक से दो दिन छोड़ के, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है करनी पड़ती है, और सर्दियों में तकरीबन एक वीक से तकरीबन डेढ़ वीक तक जो है मुझे इसमें वाटरिंग करनी होती है, और थोड़ी वाटरिंग करनी पड़ती है क्योंकि इसमें सॉइल मिक्स में मैंने थोड़ी कोकोपीट भी ऐड की हुई है, साथ में कोको चंक्स हैं, और उसके अलावा मैंने थोड़ी सी सॉइल भी ऐड की हुई है, क्योंकि मैं कोई फैंसी या फिर कोई बहुत एक्सपेंसिव थाई जो है फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करता जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, तो मैं उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर अपना देसी नुस्खा यूज़ करता हूँ, जो कि भल मिट्टी होती है, उसके अंदर मुझे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, और उसके अलावा जो है कुछ माइक्रोराइजे यानी कि जो फंगस है उसकी एसोसिएशन भी मिल जाती है, जो कि कोको चंक्स वगैरह में थोड़ी सी कम अमाउंट में होती है। यही रीज़न है कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, जो वैसे जो है सॉइल में इतने अच्छे ग्रो ना भी कर रहे हों।
तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको नेचुरल बैलेंस के अंदर ग्रो करूँ। तो मैंने इसको ट्रॉपिकल बेसिकली कंडीशंस दी हुई हैं जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं जिसकी वजह से हम होयास को अक्सर अपने खो देते हैं, उनको भी हम जो है एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम कुछ बातों का ख्याल करें। तो मेरे पास इसके अलावा भी नॉन वेरिएटेड फॉर्म भी है होयास की, वह आपके साथ वो भी शेयर करूँगा कलेक्शन। लेकिन चूँकि ये प्लांट मेरा इन सब में से सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है तो ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था।